गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड टाइम्स विद प्रियंका। तो आज हम जा रहे हैं लवासा सिटी, सो आई एम ऑन माय वे टू लवासा। तो मुंबई एंड पुणे के लोग बहुत ज़्यादा इस जगह से वाकिफ़ होंगे लवासा से, खास करके पुणे इज़ वेरी क्लोज, लाइक 60 किलोमीटर्स, डिपेंड करता है कि आप पुणे में कहाँ पे हो, तो वही 60 to 65 किलोमीटर के अंदर आपका आ जाएगा लवासा। एंड दिस प्लेस हैज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटिंग टू इट, लाइक इट्स अबैंडन्ड टाउन, इट वॉज बिल्ट अंडर अ मेगा प्रोजेक्ट, बट कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये रुक गया एंड आगे बढ़ नहीं पाया। जो भी फैक्ट्स है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अभी हम जा रहे हैं ऑन द वे, हमने कैब किया है, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों ही जा रहे हैं। सो या लेट्स सी हाउ द प्लेस इज एंड हाउ द जर्नी टर्न्स आउट टू बी। आई विल कीप यू पोस्टेड, और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जानने के लिए इस जगह के बारे में और आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। इट्स बेस्ट फॉर अ डे ट्रिप या फिर एक वीकेंड गेटअवे के लिए फ्रॉम पुणे या फिर मुंबई, बहुत एक अच्छी जगह माना जाता है। सो क्या है उधर हम जाके देखेंगे। सो या गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन सम टाइम। सुबह हम जल्दी निकल गए थे, सो रास्ते में वी टुक अ स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। सो गाइस, लवासा सिटी जो है वो बनाया गया है विद द रेफरेंस ऑफ इटालियन सिटी कॉल्ड पोर्टोफिनो। तो जिन्होंने ये बनाना स्टार्ट किया है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम प्रॉपरली, बट वो जब इटली गए थे वो इस जगह पे गए थे पोर्टोफिनो, एंड उनको वो जगह इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ हमारे इंडिया में भी बनाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट ही डिड, दैट वाज हिज विजन। एंड ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था अंडर लाइक महाराष्ट्र का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ऐसे बनाया गया था, लाइक विलाज होंगे एंड उसके सामने लेक होगा एंड हर एक विला का प्राइवेट लेक एक्सेस होगा। एंड लवासा इज नोन टू बी द फर्स्ट प्राइवेट सिटी या फिर टाउन बोलो इन इंडिया, एंड ये ऑलमोस्ट बन भी चुका था, बट लाइक लॉट ऑफ इश्यूज, लिटिगेशन इश्यूज, देन एनवायरमेंटली हजार्डियस था और बहुत कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसके लिए एक रुक गया। या दैट्स द सैड पार्ट, बट लेट्स सी इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अभी ये टाउनशिप एक बस टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है। नंबर ऑफ टूरिस्ट हैज़ ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स, सो या दैट्स द थिंग अबाउट दिस सिटी। एंड इट्स कॉल्ड अ अबैंडन्ड सिटी क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, लाइक गिने चुने लोग ही आपको मिलेंगे, एंड ज़्यादातर वीकेंड्स में आपको वहाँ पे लोग नज़र आएंगे जो घूमने जाते हैं या फिर वहाँ की जो शॉप्स है एंड एवरीथिंग। सो या दिस इज़ बैकग्राउंड ऑफ द प्लेस, एंड अभी हम वहाँ पे जाके देखेंगे कैसा है एंड वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ वर्थ इट और नॉट, एंड वहाँ पे आप अगर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो या गाइस, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मेरे साथ ये वीडियो एंड तक। एंड यस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड या नाउ लेट्स गेट आवर ब्रेकफास्ट, हमने अभी बताया है मिसल पाव और मैगी। सो या
मॉनसून में और पानी रहता है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं एंड यू कैन क्लिक सम फोटोज वीडियोज हियर, सो इट्स अ गुड प्लेस टू बी। अभी फिलहाल धूप है एंड पानी भी नहीं है तो उतना कुछ खास लग नहीं रहा है, सो वी जस्ट स्टॉप्ड हियर टू सी दिस प्लेस एंड नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन आवर जर्नी। इस पॉइंट के बाद घाट रोड स्टार्ट हो जाते हैं और रोड के एक तरफ आपको ये लेक व्यू मिलेगा अलोंग विद द माउंटेंस। लवासा एंटर करने से पहले एक चेक पॉइंट है जहां एंट्री फी देनी पड़ती है सारे व्हीकल्स के लिए, जो कि एक वन टाइम पेमेंट है। प्राइसेस स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। लवासा एंटर करते ही आपको अच्छे से वेल मेंटेन्ड रोड्स मिलेंगे एंड एक प्रॉपर हिल स्टेशन जैसा लगेगा। ये एक प्लान्ड और प्राइवेट टाउन है और यहाँ आते ही आपको लग्जूरियस बंगलोज दिखेंगी विद द बैकड्रॉप ऑफ द हिल्स एंड लेक। नेम ऑफ द स्पेस यहाँ पे कोई ऐसा नेम नहीं है, द रिवर इज मूठा रिवर एंड ये कोई ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, मुझे बस रास्ते में दिख गया सो आई जस्ट थॉट टू कम हियर। और ये पूरा सेक्लूडेड है, कोई नहीं है, लिटरली देयर इज नो वन, जस्ट द बोथ ऑफ अस, मी एंड माय सिस्टर। थोड़ा गर्मी है, मतलब धूप हो रहा है बट या दैट्स, उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, बट नॉनदलेस इज वेरी विंडी हियर और बहुत प्लीजेंट लग रहा है मुझे। आई डोंट हैव एनी इश्यू विद द धूप अभी, क्योंकि अभी सुबह है ना तो सुबह हल्का धूप ही रहता है, उतना ज़्यादा नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक यू कैन सी हिल्स और ये रिवर पूरा साइड में, बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड यू कैन डेफिनेटली कम हियर। तो मैं बोल रही थी लवासा जब आप सीधा सीधा आओगे तो एक जगह में आपको दो डाइवर्शन मिलेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, ज़्यादातर लोग राइट जाते हैं, हम भी उसी तरफ जाएंगे बट वी थॉट कि हम पहले लेफ्ट से देख के आ जाते हैं क्या है। सो व्हेन वी केम टू द लेफ्ट वी रीच्ड एट दिस प्लेस, तो यहीं से हम यूटर्न लेंगे वापस उस तरफ जाने के लिए। सो या दिस इज द प्लेस एंड यू कैन डेफिनेटली कम हियर एंड गेट योर वंडरलस्ट पिक्स एंड वीडियोज। After spending some good time here, we went ahead towards the Lavasa City Town Hall. जैसा कि आप देख सकते हैं ये टाउन पूरा ही पोर्टोफिनो नाम की इटालियन सिटी के प्लान में बना है और इसके स्ट्रीट्स के नाम भी उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। लवासा मेन टाउन हॉल, तो ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लवासा टाउन हॉल और यहाँ से थोड़ा आगे उनका मेन मार्केट एरिया है, तो आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें या फिर कुछ भी चाहिए होगा अगर, कैन गेट इट फ्रॉम द मेन मार्केट हियर। एंड यहाँ पे टॉय ट्रेन भी है जो लेक के अराउंड आपको टूर कराती है, विच आई विल बी शोइंग यू इन अ वाइल। एंड दिस इज द मेन एरिया, आप यहाँ पे आइए फिर यहाँ से आपको लाइक कुछ कुछ डिस्टेंस में ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है।
जो जगह है जस्ट आपको टॉय ट्रेन के सामने ही मिल जाएगा, स्टेप्स होगा नीचे आएंगे, या फिर यू कैन पुट सीसीडी इन द लोकेशन एंड यू कैन इजीली गेट हियर। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का एरिया है, मतलब यहाँ पे कैफेज है, देन कैफेज नीचे है, इसके ऊपर फ्लोर में लोगों का घर है एंड सामने इसका लेक है। लेक में पानी अभी ज़्यादा नहीं है बट इट लुक्स ब्यूटिफुल, लाइक जो प्लान में बनाया गया है वो दिख रहा है एंड अगर सब कुछ ठीक से बना होता देन इट वुड हैव बीन अमेजिंग, बहुत अमेजिंग लगता है ये। अभी भी सामने कुछ बिल्डिंग्स है जो पूरी तरह बनी नहीं है एज वी कैन सी, एंड बहुत सारे यहाँ पे कैफेज है एंड फूड चेन्स है, तो खाने पीने की आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, विल गेट एवरीथिंग हियर एंड लोग ज़्यादा भी नहीं है। सो अगर आपको एक सिक्लूडेड लेस क्राउडेड जगह जानी है देन दिस इज़ अ प्लेस टू बी, इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स लवली, आई मीन मुझे अच्छा लग रहा है, शांत है देन इट्स वेरी प्लीजेंट, मतलब ये वाले जगह जो है ये बहुत लाइक इट्स कम्प्लीटली बहुत शेल्टर्ड है, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ है एंड धूप भी ज़्यादा नहीं आ रही है और चारों ओर आपके पहाड़ है, सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड आई एम लविंग इट। वैसे कुछ खास करने को नहीं है, लाइक यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू हियर कि ये विज़िट करना है वो विज़िट करना है या ये एडवेंचर करना है वो एक्टिविटी करनी है, जस्ट टू रिलैक्स एंड जस्ट टू चिल, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाओ और वहाँ पे चिल करके आओ, देन दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं द व्यूज गेट बेटर। यहाँ की बिल्डिंग्स काफी कलरफुल हैं और इन्हें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाया गया है विच लुक्स सो प्रिटी एंड ये स्टेयर्स जो हैं वो मेन रोड से कनेक्टेड है। लेक के इस साइड में कुछ वाटर एक्टिविटीज़ हो रही थी और यहाँ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स था, सो दैट यू कैन जस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट एंड एंजॉय इट विद द व्यू, व्हिच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। गाइस हम और थोड़ा आगे आए एंड यहाँ पे वी हैड सम कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ पे लिमिटेड मेन्यू है, जो मेन्यू मैंने आपको दिखाया उसमें से कुछ चीज़ें हो रही है कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं वो, सो वी गॉट सम कोल्ड कॉफ़ी हियर एंड वी एंजॉयड द कॉफ़ी विद दिस लेक साइड व्यू। और यहाँ पे इस तरफ मैं जब आई देन आई कैन सी फ्यू वाटर एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन, लाइक एक पूरा फैमिली पूरा बोट में थे एंड देन कायकिंग भी हो रही थी, बट मैं ट्राई नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज टू सनी राइट नाउ, बहुत धूप हो रहा है तो मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है एंड आई एम जस्ट चिलिंग हियर और यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर रियली हैविंग अ गुड टाइम हियर विद दिस व्यू, माउंटेन्स हिल्स और नीचे ये पूरा लेक विद द कलरफुल बिल्डिंग्स, इट इज़ रियली ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस नो डाउट अबाउट दैट एंड वी आर रियली इंजॉइंग हियर, सो या दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। स्टेयर्स के ऑल्टरनेटिव के लिए ये स्लोप रोड्स बने हैं टू रीच टूअर्स द मेन रोड। सो वी एक्सप्लोर दिस प्लेस अ लिटिल मोर एंड हेडेड टूअर्स आवर वे बैक।
ओके गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट लवासा. हम मैंने जितना आपको दिखाया दैट इज वॉट लवासा इज ऑल अबाउट. तो अभी हम वापस जा रहे हैं और जाते टाइम आपको एक ब्रिज मिलेगा. तो हम स्टार्टिंग में जो रिवर गए थे मुठा रिवर, ये उसी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है एंड इट्स अट्रैक्शन हियर. तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं. तो मैं जाते टाइम गई नहीं थी, तो अभी रिटर्न करते टाइम आई थॉट कि आई विल जस्ट पे अ विजिट हियर. तो यहाँ से आपको पूरा दिखेगा लवासा एंड इट्स अ ह्यूज रिवर आई मस्ट से. मुझे लगा था छोटा सा है बट ये बहुत बड़ा है एंड यहाँ से आपको पूरी टाउनशिप दिख जाएगी. वापस आते टाइम भी हम रुक रुक के आए, जैसे यहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया. देन लिटिल अहेड वी वेंट फॉर अ स्मॉल फार्म विजिट एंड दैट्स हाउ द डे वाज. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय शॉर्ट ट्रिप टू लवासा. तो पर्सनली मुझे लवासा बहुत अच्छा लगा. लाइक आई वेंट देयर विद जीरो एक्सपेक्टेशन बट आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड with the place. Like I found it really beautiful. तो अगर आप किसी के साथ जा रहे हो then आपको ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा. मुझे अच्छा लगा बिकॉज वहाँ पर कुछ क्राउड नहीं था, बहुत कम लोग थे, जैसे कि मुझे पसंद है. And also I found secluded places all to myself. तो वो और एक bonus था. And अगर आप solo जा रहे हो तो थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग सकता है बिकॉज वहाँ पर literally ज़्यादा लोग नहीं है. I mean बहुत कम लोग हैं जो residential है वहाँ के, maybe only them. And considering it was a Sunday, it was a weekend, still वहाँ पे लोग नहीं थे. तो weekday में तो मुझे पता नहीं कोई आता भी होगा या नहीं बाहर से. So yeah, that's about it. And of course वहाँ पे थोड़ा और development होगा या फिर और थोड़ा लोग जाएंगे then it will feel better and the facilities at the township will be better. लोग बोलते थे पहले अगर जाते थे तो कि वो बहुत lively होता था and people used to be there in the town hall. सब लोग like शाम को, so it used to be a very good place with good number of people, जो कि अभी नहीं है. But that's how it is. So it's up to you. If you want to go for a day trip, you can of course go there. But वहाँ पर रहने का कोई मतलब ही नहीं है because you don't have anything to do. So अगर कुछ घंटे के लिए वहाँ पर जाना हो, घूम के आ जाना हो, that will be a really great idea weekend में. And yeah guys, that was it. And let me know आपको ये video कैसा लगा. And yeah, this video is going to be the last one from my Maharashtra series this time, क्योंकि मैं next week ही वापस भुवनेश्वर जा रही हूँ. So this is going to be the last vlog from Maharashtra. And yeah, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. इस video को अपने friends, family के साथ इसे share कीजिएगा. And I'll see you next time from Odisha या फिर कोई और state से. And yeah, till then just keep watching my vlogs and I'll see you next time. Till then, bye bye, take care and see ya. Bye.